बात करना है आपको। तो यहां क्या कर रहा है? सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन, कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैराज बट रहा है यहां, पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार। जीवन कुमार, अब चलो यहां से। मार्शल, हमने सुना था, लेकिन आपने शायद ना सुना ना देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के, और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहा बोला है तू? तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग, और लीडर बन जाएगा तू। सबको मालूम है नेताजी, आपके खून पसीने की कमाई कहां गड़ी है, उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा, हमरा सारी लीडरी झाड़ देंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं? हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बेटा। बाबूजी आप चलिए। बस चुप चुप, धक्का मार के निकालिए इसको। ले जाओ इसे, बड़ा है पार्टी का टिकट ले। ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। आशल चल, कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं रहेंगे। यही रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य है सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन, ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी, संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए। जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरे। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। समिति में हुए नए प्रस्तावों को एजेंडे पर लाना होगा। इस आलोक में अगली सूचना तक कोर कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है। भैया की कमी बहुत खल रही है, वीरेंद्र को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज माधवपुर में सभा कर उसने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। तो हर्ज क्या है, खड़ा होने दो उसको वहां से। मामा जी आप भी जानते हैं कि वो हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट की सीट होती है, वहां से जीता तो करा मचा देगा वो। हार भी तो सकता है। तू नहीं जानता छोटे, वो हमारा सबसे सेफ सीट है, वहां से हमारे पार्टी का कुत्ता भी नहीं हार सकता। भैया पार्टी इलेक्शन जितवा सकती है तो हरा भी तो सकती है। सकती है, लेकिन माधोपुर का सीट हारना पार्टी के लिए ठीक नहीं। इसीलिए तो, ऐसी सीट से हारेगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा उसका, और सीट छोड़ने के लिए पार्टी में आपको सहानुभूति मिलेगी वो अलग। सो तो है, तुम्हारी समस्या वीरेंद्र नहीं सूरज है। परिस्थिति गंभीर कर दी है उसने। आजाद नगर से अगर सूरज को टिकट देते हैं तो वीरेंद्र का पलड़ा भारी होता है, नहीं देते हैं पिछड़ों के खिलाफत मोल लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आवाज में बात करें। गोपाल जी कैसे हो साहब? अरे मालिक, बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुमने। अरे गोपाल, सुखदेव आप भी है बटुकेश्वर जी? पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया है यहाँ तो, लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रजगोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, है। तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ, नौजवानों का टाइम है, उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। विचार कुछ भी हो, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोचते। अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है, सिर्फ आजाद नगर ही नहीं, हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा, अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। धन्यवाद ब्रजगोपाल जी, जब तक पार्टी में आप जैसे लोगों का स्तंभ है अन्याय नहीं हो सकता। बड़ा पुण्य होगा ब्रिजमल, गरीब की बेटा को पार्टी में स्थान दिए। सूरज आपको निराश नहीं करेगा। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरित्र होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है, उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरित्र, ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में? बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मालिक, हम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। लिस्ट आउट हो गया है। नमस्ते भैया। 55 में से खाली 12 नाम क्लियर किए। फंड्स का क्या हुआ? चेक साइन नहीं किया अभी तक। बहुत भारी पड़ेगा चचा साहब। टाइम खराब है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं कि वो चंद्र प्रताप जी से कनेक्ट करते हैं। ही इज द फेस ऑफ आवर पार्टी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार। Why not? यह निर्णय आपका नहीं, पार्टी का होगा। You shut up. चुप, आप रहेंगे। ये पार्टी का दफ्तर है, आपके घर की जागीर नहीं। यहां की मर्यादा का ख्याल रहे। तो आप पढ़ाएंगे हमको मर्यादा का पाठ, मिस्टर बैकवर्ड और माइनॉरिटी सर संजय? पार्टी फैसला कर चुकी है, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। अगर आपको ये चेहरा पसंद नहीं है तो जनता सिर्फ एक चेहरे को जानती है, सिर्फ एक आवाज पहचानती है, और वो है भानु प्रताप। और उसके बाद उस स्थान का सही उत्तराधिकारी कौन होगा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी उसे पहचानने में कोई भूल नहीं करेगी। वीरेंद्र, ये फैसला उनकी सहमति के बाद ही लिया गया है। कब लिया बाबूजी ने फैसला? आज सुबह ही कार्यकारिणी के सदस्य मिले थे उनसे। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं।
कि कौन है इसके पीछे, कैसे हमारी 55 की लिस्ट में से सिर्फ 12 नाम पास होते हैं, कैसे फंड के नाम पर हमारे हर डिमांड को नकार दिया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, यह रवैया पार्टी के हित में नहीं है। जनता इस फैसले को नहीं मानेगी। बरखुरदार, अब यहां फैसले मैं किया करता हूं और बेहतर होगा कि आप उनका पालन करें। बेटर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। फॉल इन लाइन, वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। बस वीरेंद्र प्रताप, आखिरी चेतावनी, जो संविधान तुम्हें इसको सदस्य बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी तुमको पार्टी से सस्पेंड करने का अधिकार देता है। सर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वीरू जी, आप उन्हें इस तरह से सस्पेंड, आप बताएंगे हमें? देख रहे हैं हम, काफी लोग यहां 20-20 खेलने में लगे हैं। लगता है कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना पड़ेगा इस चुनाव के मैच से। तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो गया? या चुके पापा। आपको क्या, जब से आया है दो मुंह बात भी किया। क्या करें, तुम देख ही रही हो, टाइम है अभी। समर का सामान हमारे ही गाड़ी में रखो। जी सर। हम छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट पर। आप जाएंगे? पापा ये यू डोंट हैव टू डू दिस। कम, इस बार सचमुच में ठीक से देख भी नहीं पाया। सब ठीक तो है वहां? कैसा चल रहा है तुम्हारा पीएचडी? रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, बस सबमिट करना है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? या पापा, आई एम डन विद माय पीएचडी। फैंटास्टिक, तो अब हम आपको डॉक्टर समर प्रताप कहकर बुलाएंगे। जरा फिर से बताना तुम्हारा थीसिस का टाइटल, मैं अक्सर भूल जाता हूं। द सबटेक्सचुअल इमोशनल वायलेंस ऑफ 19th सेंचुरी विक्टोरियन पोएट्री। वंडरफुल, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आगे क्या प्लान है? एक टीचिंग जॉब की ऑफर है। मतलब तुम वही रहोगे? चलो ये भी ठीक है, हमारे खानदान में कोई टीचर नहीं हुआ आज तक। पापा आप जल्दी जाइए, ऑल दिस सिक्योरिटी थिंग इज टू मच। मैं चला जाऊंगा। मैं आता हूँ ना तुमको अंदर। नहीं पापा, प्लीज,
यू आर ब्लॉकिंग द ट्रैफिक ऑल्सो। ओके बेटा, अच्छा कम गिव मी अ हग, पता नहीं कब देख पाऊंगा फिर तुमको। अब ये इलेक्शन क्या बात है बाबूलाल? बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल से फोन आया था, हम वही जा रहे हैं। डॉक्टर से बात कर रहा हूं, हमारा पहुंचते ही जी पहले हॉस्पिटल ले लो।